इसके साथ ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया है, क्या लिखा है बताते हैं आपको। सातवें और अंतिम चरण के मतदान में भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील उन्होंने की, ताकि देश में रोजगार सुरक्षा देने वाली सरकार बन सके। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस मतदान को लेकर, और भी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, कौन कौन सी सीटों पर चुनौती लग रही है आज? आज की जो 13 सीटें हैं उन पर हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि चुनौती भरा रहने वाला है आज का मतदान? अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर, मऊ से बूथ नंबर 18 पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है और ईवीएम खराबी की खबर यहां पर सामने आई है। मादी दुल्हा के बूथ नंबर 18 पर ईवीएम खराब हुई है। तो देखिए, कई जगहों से ईवीएम खराबी की खबरें सुबह सवेरे ही आना शुरू हो गई हैं और कई जगहों पर मतदान शुरू भी नहीं हो पाया है और कुछ जगहों पर देरी से शुरू हुआ। आधे घंटे तक कई जगहों पर हमने देखा कि मतदान शुरू नहीं हो पाया, वोटिंग नहीं लोग कर पाए। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे पहले लोग पहुंचे, सुबह सवेरे ही लंबी कतारों में लगे हुए, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। बात योगी आदित्यनाथ की करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी वोट कास्ट किया, उनकी तरफ से भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम वो लोग हैं जो प्रायोरिटी मानते हैं वोटिंग को, जो प्राथमिकता अपनी मानते हैं कि वोट डालने के लिए सबसे पहले जाना है। लेकिन इस बीच ईवीएम खराबी की खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां जहां से जो जो भी अपडेट है, लगातार न्यूज 18 हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो आज के मतदान की हर तस्वीर सबसे पहले आपके पास न्यूज 18 लेकर आ रहा है। इसी बीच मादी दुल्हा के बूथ नंबर 18 पर ईवीएम खराबी की खबर सामने आई, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और चलिए एक और खबर सोनभद्र से, यहां पर भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई, बूथ नंबर 343 पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। दुद्धी के बूथ नंबर 343 पर ईवीएम खराब हुई है, ये भी एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है। तो ऐसी कई जगहों की खबरें हमने आपको बताई जहां पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई, ईवीएम खराबी की खबरें सामने आई। गाजीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय ने कहा है कि पिछले 5 साल में गाजीपुर के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए विकास के लिए लोग बढ़ चढ़कर वोट करें। विकास की एक रेखा खींच दी गई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इधर के दिनों में जो विकास का काम जिले में ठप सा हो गया, और आप सबसे लोगों से पूरी मेरी उम्मीद है कि वह विकास आपको बार बार याद आएगा और विकास के पक्ष में आप अपना मतदान करेंगे, यही आप सबसे बार बार निवेदन है और प्रार्थना है। सर, क्या किस मुद्दे को और क्यों कौन से मुद्दे लेकर आप गाजीपुर की जनता के बीच गए थे और आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपने भी वोट अपना कास्ट कर दिया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो हमेशा ये बात कही कि 1419 तक आदरणीय सिन्हा जी इस जिले के प्रतिनिधि थे और उन्होंने जो विकास का काम शुरू किया वह अगल बगल के जिले नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में वो अकेले ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गाजीपुर जनपद में लाई गई। लेकिन इन पिछले 5 वर्षों में गाजीपुर अपने को ठगा सा महसूस किया, लगा कि कौन सी गलती हमने कर दी है। उन्हीं सारे विकास के कार्यों को जो अधूरे रह गए, जो ठप हो गए, और उनको निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। चलिए गाजीपुर आपको लिए चलते हैं, अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, अभी भी पारसनाथ राय से भी आप बातचीत करते नजर आए, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं इस वक्त? मतदान केंद्र की अगर बात करें तो मतदान केंद्र पर किस तरह की तस्वीर, जरा दिखाइएगा।
देखिए शिनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त न्यूज 18 मोहनपुरा में, ये वही जगह है और यही नर्सिंग इंटर कॉलेज है जहां अब से कुछ देर बाद मनोज सिन्हा ये अपना वोट कास्ट करने का। देखिए जागरूक वोटर, देखिए क्या युवा, क्या अलग अलग वर्ग के लोग हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, एक लंबी कतार यहां सामने देखने को मिल सकती है। इस बात का प्रमाण है कि ना धूप की चिंता ना हवा, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। सर वोट कास्ट करने के लिए आए आप? यस सर। सर क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है सर? बेरोजगारी सर, बेरोजगारी, महंगाई। सर आप वोट कास्ट करने आए? नहीं, वोट है ही नहीं। फिर सर आप वोट कास्ट करने आए, डाल दिया वोट कि नहीं? ना। अच्छा, हंस रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो बता दो फिर। नहीं नहीं, वोट कुछ नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। अच्छा ये बताओ क्या मुख्य मुद्दे यहाँ के, अगर इस पूरे गाजीपुर की बात की जाए, यहाँ मुद्दा क्या है? हमको पता नहीं है, मुद्दा पता ही नहीं है। तो वोट डालने आए हो, वोट तो डालोगे ना? चलो खत्म हो गए। सर आप बताइए। सर यहाँ मुख्य मुद्दा है, देखिए बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है मुद्दा, यहाँ है हमारे हिंदुत्व का, हिंदुओं का, और हम लोग उस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, ना कि किसी को नुकसान हो, किसी जाति धर्म को नुकसान हो या किसी अदर को नुकसान हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए सर इधर आइए, आप वोट कास्ट करने आए अपना, आ चाहिए, ये सबसे बढ़िया चीज है, हाथ में घर से लेके चले। जी जी सर, क्या यहाँ क्या मुद्दे हैं? सर देखिए यहाँ पर मुद्दे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा वोट जो पड़ेगा राष्ट्र हित के लिए, जो राष्ट्र मजबूत रहे और हमारा अच्छे से जो सुरक्षित हाथों में देश रहे और विकसित विकास, विकसित भारत के लिए मेरा वोट पड़ेगा। विकसित भारत, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की कि हम विकसित भारत के लिए वोट कास्ट करेंगे, वोट हमारा अधिकार है। अच्छा सब आप लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो जाइए पहले वोट कास्ट करके आइए प्लीज। सर आप लोग जाइए पहले अपना, पहले मतदान फिर और कोई बात। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों ने भी एक मन बनाया है कि पहले आप बातचीत करते रहिए वोटर्स से, उनके उत्साह को जानते रहिए। बलिया से हमारे साथ राजीव भी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव जी आप जरा दिखाइए वहां पर किस तरह की तस्वीर आप सुबह सवेरे मतदान केंद्र पर देख पा रहे हैं, कितना उत्साहित इस बार का वोटर है, क्योंकि हमने पहले देखा मतदान प्रतिशत काफी कम आया था नजर, लेकिन आज कितना उत्साहित बलिया के वोटर दिख रहे हैं? देखिए सीनम, बलिया में इस वक्त मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं बलिया के फेफना क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही मतदान के लिए यहां पर पहुंचे हैं और लगातार कतारों में लगकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बलिया की बात करें तो बलिया में 19,23,645 वोटर है और 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इसमें बीजेपी ने जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए। क्या दादा, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर हम वोट करने आए हैं। राष्ट्र मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा देश मजबूत रहेगा। आपको क्या लगता है कि हम रोजगार स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दों पे हम वोट करेंगे इस पर? हाँ, बलिया में कुछ विकास हुआ है? बलिया में विकास हुआ है, इन मोदी जी के सरकार में 10 सालों में बहुत सारे विकास हुए हैं, जिसमें आप रेलवे देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, और यहाँ